चित्रावत जनपद में आज बदमाशों का एक नया कारनामा देखने को मिला। बदमाशों ने गांव में बने एक मंदिर पर पहुंचकर लड्डू का प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाने के बाद गांव के लोगों को खिला दिया और चार घरों से लूटपाट करते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं लड्डू के प्रसाद से बीमार हुए लोगों ने बताया कि बाइक से कुछ लोग मंदिर पर आए और वहां पर प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोगों को प्रसाद खिलाया। जैसे ही हम लोगों ने प्रसाद खाया वैसे ही गांव के तकरीबन 15 लोग प्रसाद खाने से बेहोश हो गए, जिसके बाद बदमाशों ने बड़े ही आराम से घटना को अंजाम देने के लिए चार घरों से लूटपाट की। लूटपाट करने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। जैसे ही पड़ोस के लोगों ने घर में लोगों को बेहोशी की हालत में देखा वैसे ही पुलिस को सूचना दी। सर टिकटनगर में एक मंदिर पर प्रसाद प्रसाद का मामला है, क्या पूरा मामला है और क्या अभी तक किसकी जांच हुई है? रात 18 क्षेत्र में डायल 100 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी चोरी के संबंध में। इस पर तत्काल थाना प्रभारी संबंधित गांव में गए, वहां पे लोगों से बात की। दो घरों में चोरी के तथ्य प्रकाश में आए। उस समय इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई थी कि किसी ने लड्डू खाए या खिलाए या कोई बेहोश है। सुबह करीब 9:30 के करीब उन्हें ये सूचना आई कि गांव में कुछ लोग को नशे की हालत में हैं और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ रात में इन्हें खिला दिया गया है। तब इस पर पुनः पुलिस गई, डायल 100 भी गई, तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि कल शाम को 5:30-6 उस गांव में कोई दो लोग आए थे, अपरिचित लोग थे, जिनके द्वारा वहाँ कोई प्रसाद बांटा गया और उसमें सभी लोगों को लड्डू खिलाया गया और जिसके कारण ये बेहोश हुए हैं। रात एक और चीज़ लोगों ने बताई, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की मिली थी कि ये वो मोटरसाइकिल भी संदिग्ध व्यक्तियों की थी, चोरों की। इस पूरे प्रकरण में जो भी इनकी तरफ से तहरीर दी जाएगी इस पर कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत करके पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर? इसमें सुबह यहाँ पर करीब 16 लोग आए थे, जिसमें 7 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, बाकी लोग ठीक हैं, अपना घूम रहे हैं और वैसे सभी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, सभी लोग ठीक हैं। प्रसाद जो वहाँ मिला है क्या उसकी जांच अभी हुई है, क्या जांच चल रही है? अभी प्रसाद वहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम भी गई हुई है, वहाँ पे हमारे डॉग स्क्वाड क्षेत्राधिकारी वहीं हमारे कैंप किए हुए हैं, संबंधित थाने की पुलिस है, वहाँ जो भी मेटेरियल एविडेंस है उसे कलेक्ट किया जा रहा है, उसकी जाँच कराई जाएगी, उसके आधार पर और जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया उसके आधार पर जो भी चीज़ें हैं उस अग्रेतर कार्रवाई जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। धन्यवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी पीड़ितों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर उनका उपचार अभी किया जा रहा है। वहीं उनका हाल लेने चक्का नगर क्षेत्र के SDM भी पहुंचे जहां पर उन्होंने नशीला लड्डू खाने से पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। SDM ने बताया कि अभी सभी की हालत ठीक है और डॉक्टरों की टीम अच्छे से पीड़ितों का इलाज कर रही है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।